अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है भरतपुर बर्ड सेंचुरी में स्पेंड करने के लिए और उसी में आप अच्छी फोटोज एंड वीडियोस सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है यू नीड टू टेक एन एंट्री टिकट। अभी इसके प्राइस कुछ बढ़ गए हैं, इट्स 124 रुपीज नाउ, पिछले साल 111 रुपये था। एंड देन एंट्री टिकट लेने के बाद यू कैन टेक अ साइकिल, रिकमेंडेड है इफ़ यू आर गोइंग अलोन और इफ़ यू आर फिट इनफ कि आप पूरा दिन साइकिल चला सकते हो, सो यू कैन टेक द साइकिल। उसके चार्जेस भी कुछ बढ़ गए हैं। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में दे चुका हूँ, जिनके लिंक्स मैं आगे शेयर कर दूंगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पर गया तो काफ़ी ज़्यादा फॉगी था, तो हमने सोचा एंट्री टिकट तो चेक करवा ही रहे, साथ में थोड़ी देर रुक के बात भी सीख लेते हैं, बिकॉज अभी आगे जाके कुछ फ़ायदा तो है नहीं। एंट्री गेट से क्रॉस करने के बाद जब हम फर्स्ट बैरियर पे पहुंचे तो उसके साथ ही फर्स्ट कैंटीन भी है, तो हम सोचा कि एंट्री टिकट जब हमने चेक करा ली तो उसके बाद थोड़ी देर रुक के चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा फॉग है, अभी आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने सोचा कि जो लोकल हैं जो यहाँ पर एंट्री टिकट वगैरह चेक करते हैं, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो इनसे यू कैन ऑलवेज आस्क कि अभी यहाँ पर कहाँ एक्टिविटी चल रही है, अभी कौन से बर्ड्स हैं कौन से नहीं है, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। उसके बाद हमने कुछ टाइम सापन मोरी में स्पेंड किया। सापन मोरी की राइट और लेफ्ट हैंड दोनों जगह पे आपको अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। मुझे सापन मोरी पूरे पार्क के जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, कुछ वीडियोस में मैंने स्पेशली इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब भी किया है कि यहाँ पे क्या रहता है, क्या एक्टिविटी रहती है, क्या नहीं। तो इफ़ यू वांट टू नो यू कैन क्लिक द आई बटन जो आपको आगे जाके मिल जाएगा, एंड देन यू कैन सी द कंप्लीट वीडियो। और जब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे सापन मोरी में, हमने देखा कि एक ब्लैक हेडेड आइबिस ने एक चेकर्ड कील बैग को पकड़ा हुआ था। इस पार्क में आते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे देखा हो। काफ़ी टाइम हमें मिला यहाँ पे, आइबिस ने इसको कई बार टॉस किया, कई बार इसको ज़मीन पे ड्रॉप किया, उसके बाद पिक किया, मतलब अच्छा खासा हमें बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला। आगे जाके हमने सोचा कि आगापुर चौकी की साइड जाएंगे, वहाँ पे हमें जैकॉल और हाइना के ग्राउंड लेवल शॉट्स मिलने के चांस थे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ पे जो ये बिल्कुल मोड़ है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते, बिकॉज दिस प्लेस इज़ गुड फॉर कॉमन किंगफिशर एंड ब्लू थ्रोट, एंड आई थिंक वो सही भी रहा बिकॉज वी गॉट सम गुड इमेजेस ऑफ बोथ द स्पीशीज। सो अभी तक तो काफ़ी फॉगी था, सो वी डिसाइडेड टू कम फॉर द जैकॉल्स, लेकिन जब तक हम यहाँ आए हैं तो अच्छी खासी सनलाइट हो गई है। खैर हम आए हैं चौमारा साइड में, विच इज़ अगेन गैना कैनाल पे ही है। बाकी जो मेरे साथ हैं अमन और अनुज वो आ रहे हैं नाउ। यहाँ पे हम कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जैकॉल्स की और हाइना की एक्टिविटी काफ़ी रहती है, स्पेशली बिकॉज हाइना और जैकॉल जहाँ पहले स्टार्टिंग में होते थे वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ट्रैक बनाने का काम चल रहा है या कुछ काम चल रहा है, इसलिए वो पीछे मूव हो गए हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सिट डाउन एंड वेट फॉर द मूवमेंट। जब आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम होता है तो आपको होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर लें, और जब हम यहाँ पे आए उससे पहले तो काफ़ी फॉग था, लेकिन जब तक यहाँ पहुँचे तो फॉग बिल्कुल क्लियर हो चुका था और अच्छी खासी धूप निकल गई थी, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो हमें जैकॉल्स और हाइना के शॉट्स नहीं मिले। एंड उन लोगों के आते ही जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग वापस चले गए डाटा पॉइंट की साइड पे। पॉइंट पे आने का जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, बस शुरू में लग रहा था कि एक्टिविटी कम है, नंबर ऑफ डाटा वो लेस,
लेकिन यहाँ के टर्टल्स का ये होता है कि एकदम से कम होते हैं, लेकिन बाद में टर्टल्स एंड कॉर्मोरेंट्स एकदम से ही पॉन्ड में आ जाते हैं बहुत सारे, और उसके बाद इनकी अलग अलग चीज़ों को लेकर फाइट भी होती है, नहीं भी होती, फिशिंग शॉट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ बहुत ही अनरियल से मूवमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो शायद नहीं ईजिली आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकते। नॉर्थ वेस्ट पास में यहाँ पे हमें गन्स के, यहाँ पे वाइट फिशर के, टीजेट्स वगैरह के, बाकी सब में भी काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं, काफ़ी बर्ड्स यहाँ पे एकदम से एक्टिव हो गए थे फॉग हटने के बाद और धूप निकलने के बाद। तो इफ़ यू आर कमिंग तो यहाँ पर आप अच्छा खासा टाइम एक दिन के अंदर भी स्पेंड कर सकते, लाइक मॉर्निंग बिटवीन 11 to 1 वो बेस्ट टाइम है यहाँ पे बैठ के फिशिंग शॉट्स वगैरह कैप्चर करने के लिए। उसके बाद यू कैन गो अगेन वाला पॉइंट जहाँ से वहीं पर आपको आगे जाके सारा सुनने सुनने के भी चांसेस हैं। उसके अलावा सापन बोली है और बाकी सारे पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड मैं ऑलरेडी नई वीडियो बना चुका हूँ, दो वीडियो मेरी ऐसे जो पाँच पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है पूरा भरत सीजे डिस्क्राइब किया है। उससे रिलेटेड अगर आपको देखना है देन जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आई बटन, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। शांतिकुट एरिया एक जगह और भी है जहाँ पे आप जाके बस आराम से एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ आपको काफ़ी डक्स मिलेंगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाई है उस जगह, लेकिन अगर आपको वहाँ पर क्लोजअप शॉट्स मिलेंगे तो काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं। प्लस वहाँ पे आउल्स भी है और वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अनडिस्टर्ब है। सो आपकी वीडियो से बस इतना ही, बाकी आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।